हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में पॉलिटी से रिलेटेड 100 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट में से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेरियस एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो में सिर्फ पॉलिटी पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द आइडिया ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? आंसर इज एम एन रॉय। एम एन रॉय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और इन्होंने कब प्रस्तावित किया था? तो इन्होंने 1934 में एम एन रॉय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, अंडर विच प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड। भारत की संविधान सभा को किस योजना के तहत लागू किया गया था? आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत की संविधान सभा को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर इज 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? आंसर इज 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा पहली बैठक की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द अपॉइंटेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? परमानेंट प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट, और नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और यदि आपसे परमानेंट पूछता है परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, हु वाज द अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर इज सर बी एन राव। सर वेनेबल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? आंसर इज 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। संविधान कब लागू हुआ था? आंसर इज 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। भारत गणतंत्र कब बना? आंसर इज 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक या गणतंत्र बना था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर्टिकल्स पार्ट्स एंड शेड्यूल्स वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? आंसर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थे। जब संविधान बना था तो उस टाइम 395 आर्टिकल, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थे। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री।
भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम ये किस देश का संविधान से हम बोरो किए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर इज इंग्लैंड। इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम बोरो किया गया है। नेक्स्ट है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा ये किस देश के संविधान से बोरो किया गया है? आंसर इज आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से बोरो किया गया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट करंटली? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? आंसर इज 12। 12 शेड्यूल है वर्तमान में भारतीय संविधान में, तो आंसर इज 12। नेक्स्ट है, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज मेंशन? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख है? आंसर इज फर्स्ट शेड्यूल। पहली अनुसूची में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे? आंसर इज शपथ एवं प्रतिज्ञा। शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंध है थर्ड शेड्यूल का। नेक्स्ट है, द एट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची का संबंध है किससे? आंसर इज ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित, और करंट में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो करंट में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो एट शेड्यूल में मेंशन है। नेक्स्ट है, द टेंथ शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 52nd अमेंडमेंट रिलेटेड टू? दसवीं अनुसूची को 52वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है, तो यह किससे संबंधित है? आंसर इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ से यह संबंधित है जो 52nd अमेंडमेंट के तहत 10th शेड्यूल को एड किया गया था। नेक्स्ट है, फंक्शन टू बी असाइन टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन विच शेड्यूल? संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, किस शेड्यूल में किया गया है? आंसर इज 11th शेड्यूल। 11वें अनुसूची में किया गया है पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों का उल्लेख, तो आंसर इज 11th शेड्यूल। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है? आंसर इज आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 ये डिक्लेयर करता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो आंसर इज आर्टिकल 1। नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन इन द? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है इस आर्टिकल में? आंसर इज आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये मेंशन किया गया है, तो आंसर इज आर्टिकल 51। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंसेस? राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? आंसर इज आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स इज मेंशन? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर इज आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज द पावर टू इंक्लूड एनी स्टेट्स अंडर द इंडियन यूनियन? किसी भी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार किसके पास है? आंसर इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1953? वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज जस्टिस फैजी अली। जस्टिस फैजी अली ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो आंसर इज जस्टिस फैजी अली। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन ए लिंग्विस्टिक बेसिस? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा किया गया था?
आंसर सेवन अमेंडमेंट, सातवें संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और यह संशोधन 1956 1956 में किया गया था। तो आंसर सेवन अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, विच स्टेट वाज फर्स्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था। आंसर इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड द वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटेग्रिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल किया गया था। आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटेग्रिटी जैसे वर्ड को इनकॉर्पोरेट किया गया था और यह अमेंडमेंट 1976 1976 में किया गया था और इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे चेंजिंग किए गए थे, तो इसलिए इसे अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस अमेंडमेंट के। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट ये किस आर्टिकल में मेंशन है। आंसर इज आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। और पार्ट बात करिए किस भाग में स्पेशली मेंशन है, ये पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मेंशन है, पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, करंट में कितने फंडामेंटल राइट हैं। तो आंसर इज 6, 6 फंडामेंटल राइट है करंट में, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट है, हु हैज द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है। आंसर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है, तो आंसर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आंसर इज पार्ट 3, पार्ट 3 को कहा जाता है और पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा, तो फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो फंडामेंटल राइट या पार्ट 3 को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर ग्रांटेड इनिशियली, शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, जब संविधान बना था तो उस टाइम कितने फंडामेंटल राइट थे इंडियन सिटीजन के पास। तो आंसर इज 7, 7 फंडामेंटल राइट थे जब संविधान बना था और करंट में 6 ही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब संविधान था तो उस टाइम 7 थे और करंट में भी 6 है। नेक्स्ट है, द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी ए फंडामेंटल राइट बाय, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया किस अमेंडमेंट के तहत। आंसर इज 44th अमेंडमेंट, 44वें संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रह गया और यह अमेंडमेंट 1978 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज ए, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार है वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, तो इसे आर्टिकल 300 300A में मेंशन किया गया और किस पार्ट में मेंशन किया गया स्पेशली बात करें तो इसे पार्ट 12 में मेंशन किया गया, पार्ट 3 से हटाकर पार्ट 12 में राइट ऑफ प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया। नेक्स्ट है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, आर्टिकल 17 ये किससे रिलेटेड है, किससे डील करता है। आंसर इज एबोलिशन एंड अनटचेबिलिटी, उन्मूलन और अस्पृश्यता से संबंधित है और इस आर्टिकल के तहत कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने मंदिरों में जाने और पब्लिक प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है आर्टिकल 17 के तहत। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आंसर इज आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट है, बाई विच आर्टिकल द राइट टू एजुकेशन हैज बीन मेड ए फंडामेंटल राइट
फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? आंसर इज आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 ए के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और इस आर्टिकल को किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट में? तो इसे 86th अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। इसे 86th अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ये अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर इज आर्टिकल 36 to 51। आर्टिकल 36 से 51 के बीच मेंशन है। और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में मेंशन है, किस भाग में मेंशन है? तो ये पार्ट 4 में मेंशन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम किस कंट्री से बोरो किए हुए? तो ये आयरलैंड से बोरो किए हैं। आयरलैंड के संविधान से हम बोरो किए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्ट्रेंड इन? संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये निहित है। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन इज मेंशन इन विच आर्टिकल? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यूनियन सिविल कोड जो सिटीजन्स के लिए है, तो इसे किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आंसर इज आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में इसे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एप्लीकेबल? भारत के किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? आंसर इज गोवा। गोवा में ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आंसर इज आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 51 ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य को किस पार्ट में मेंशन किया गया? तो इसे पार्ट 4 ए में मेंशन किया गया। 4 ए में मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, और आर्टिकल 51 ए में मेंशन है। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरो फ्रॉम? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किससे ली गई है? किस देश के संविधान से हम कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो किए हुए हैं? आंसर इज सोवियत यूनियन, या जिसे USSR के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कंट्री से हम बोरो किए हुए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? आंसर इज 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वें संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ था, तो इस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने किए थे? तो आंसर इज स्वान सिंह कमेटी। स्वान सिंह कमेटी के द्वारा सिफारिश किया गया था भारतीय संविधान में। तो आंसर इज स्वान सिंह कमेटी। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज? वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या है कितना? आंसर इज 11। 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य संविधान में, आंसर इज 11। नेक्स्ट है, हु इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ये कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस? इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है? आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं।
नेक्स्ट है द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड ऑन अपोज एज। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। आंसर इज नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र प्रेसिडेंट है जो निर्विरोध चुने गए थे। आंसर नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है हु कैन इनिशिएट अन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है। आंसर इज संसद का कोई भी सदन। संसद का कोई भी सदन भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर सकता है। तो आंसर संसद का कोई भी सदन। नेक्स्ट है द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस आर्टिकल से रिलेटेड है। आंसर इज आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 से संबंधित है राष्ट्रपति का महाभियोग। नेक्स्ट हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड। भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार फिर से चुना जा सकता है। आंसर इज कई बार। भारत के राष्ट्रपति को कई बार री इलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आंसर इज 35 ईयर्स। 35 ईयर्स होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज। और भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और गवर्नर बनने के लिए भी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए। आंसर दो सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, तो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, जिसमें से 530 ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें से 20 ये यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल 552 लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। आंसर इज 12। 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा में। तो आंसर इज 12। नेक्स्ट है हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक रिप्रेजेंटेटिव है। टोटल कितने हैं, तो टोटल 31 रिप्रेजेंटेटिव है उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में। आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच इज द नोन एज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर इज राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू डाई ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे। आंसर इज कृष्णकांत। कृष्णकांत एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट है जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा हेल्ड। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। आंसर इज 1951 to 1952। 1951 से 1952 के बीच फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। आंसर इज 25 ईयर्स। 25 साल लोकसभा के मेंबर होने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच स्टेट्स सेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकसभा।
कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में भेजता है। टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव उत्तर प्रदेश से आते हैं लोकसभा में? तो टोटल 80 रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में आते हैं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितनी होना चाहिए? आंसर 6 मंथ, 6 महीने होना चाहिए समय अंतराल दो सदनों के बीच संसद के। नेक्स्ट है, हु डिसाइडेड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट? यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आंसर स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आंसर स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर ये संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति ये संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये भारत के प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनको एडवाइज या सलाह प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल ये आपको 75 में देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति के बारे में, अन्य मंत्री की नियुक्ति के बारे में। नेक्स्ट है, इफ ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, देन विद इन हाउ मेनी डे ही इज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू कंटिन्यू एज ए मिनिस्टर? जैसा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो मंत्री के रूप में बने रहने के लिए उसे कितने दिनों के भीतर संसद का सदस्य होना आवश्यक है? आंसर 6 महीने, 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक। नेक्स्ट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है? आंसर ये लोकसभा, लोकसभा का सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, इफ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास अगेंस्ट ए मिनिस्टर, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो आंसर पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द फाइनेंस बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस? फाइनेंस बिल सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? आंसर इज लोकसभा। लोकसभा में सबसे पहले फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ब्राउट? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? आंसर इज लोकसभा। केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो आंसर इज लोकसभा। नेक्स्ट, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सिफारिश पर भंग कर सकता है? आंसर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के नेता कौन होता है? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ये लोकसभा के लीडर होते हैं। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नियुक्ति करते हैं। आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल कंस्टिट्यूट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का गठन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? आंसर इज आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आंसर इज गवर्नर। राज्यपाल ये राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन द स्टेट?
राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डील्स विद हाउ द गवर्नर विल बी अपॉइंटेड। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी या किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर इज आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 से संबंधित है। ये राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को नियुक्ति किया जा सकता है? आंसर इज एक। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को नियुक्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ ए स्टेट। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज गवर्नर। गवर्नर के द्वारा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज गवर्नर। गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर का नियुक्ति किया जाता है अन्य स्टेट। नेक्स्ट है, हु रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? आंसर इज प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया गया एडमिनिस्ट्रेटर शासन को चलाते हैं इंडियन टेरिटरी में। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन द हाउस। किस भारतीय राज्य के सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटें कितने हैं? तो अप्रोक्स 404 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा इज। विधानसभा में सीटों की संख्या आंसर इज 60 से कम और 500 से अधिक नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर, एग्जांपल के लिए गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम, तो यस, इन राज्यों को छोड़कर 60 से कम और 500 से अधिक नहीं होने चाहिए विधानसभा में सीटों की संख्या। नेक्स्ट है, हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन द मीटिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में? तो आंसर इज चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसी राज्य का कौन होता है? आंसर इज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। राज्य के महाधिवक्ता ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसी स्टेट के। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट मेंशन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है? आंसर इज आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में मेंशन है। और इसी प्रकार यूनियन या केंद्र में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर यूनियन या केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो आर्टिकल आपको 76 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 76 में मेंशन है अटॉर्नी जनरल के बारे में, और अटॉर्नी जनरल ये केंद्र के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जिस प्रकार स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? आंसर इज 34। न्यायाधीशों की कुल संख्या सुप्रीम कोर्ट में 34 है, बट करंट में 32 है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ जस्टिस का नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर ए सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज क्या है? आंसर इज 65 ईयर्स। 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रिटायरमेंट एज है, तो आंसर इज 65 ईयर्स। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर इज हीरालाल
जेकी सुंदस कन्या, हीरालाल जेकी सुंदस कन्या ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है, हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फीमेल जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर फतिमा बीबी, फतिमा बीबी ये फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की। और ये कब बनी थी? तो ये 1989, 1989 में बनी थी फतिमा बीबी फर्स्ट फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? आंसर इज जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ये प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टाब्लिश बाय, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था? आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? आंसर इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर एट प्रेजेंट, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? आंसर इज 25, 25 वर्तमान में हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज क्या है? आंसर इज 62 ईयर्स, 62 ईयर्स हाई कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज है, तो आंसर इज 62 ईयर्स। नेक्स्ट है, द ओनली इंडियन टेरिटरी विच हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? आंसर इज दिल्ली, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, तो आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट, द ओथ टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? आंसर इज गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट के गवर्नर द्वारा हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? आंसर इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट द्वारा चीफ जस्टिस एंड अदर जजों की नियुक्ति किया जाता है हाई कोर्ट के, तो आंसर इज प्रेसिडेंट। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई वीडियो तो पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।